सीएम योगी आज आगरा के बटेश्वर जाएंगे, जहां वो पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के 96वें जन्मदिन के मौके पर करोड़ों की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी का पैतृक गांव है। गांव और कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां की जा चुकी हैं। सीएम योगी आगामी चुनाव को लेकर लगातार दौरे कर रहे हैं। आगरा से हमारे संवाददाता अनिल शर्मा जुड़े हुए हैं। अनिल, सीएम योगी आज आगरा आएंगे, क्या जानकारी? देखिए पूजा, बिल्कुल पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्मदिन है। पूरी भाजपा आज जन्मदिन को एक बड़े उत्सव के रूप में मना रही है। सीएम योगी आदित्यनाथ खुद अटल बिहारी वाजपेयी के पैतृक गांव है बटेश्वर, वहां आ रहे हैं। वहां कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे, लोकार्पण करेंगे, उसके बाद यहां बटेश्वर धाम के दर्शन करेंगे और एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि उनके पैतृक गांव में जो विकास की गति होनी चाहिए थी वो कैसे तेज की जाए। तमाम योजनाओं को लेकर आज बटेश्वर के लोगों को सौगात देने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का आज ये पैतृक गांव है। यहाँ तमाम लोगों को पहले से उम्मीद थी कि यहाँ नई नई योजना आए, विकास हो। शायद यही वजह है कि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद यहाँ आ रहे हैं उनके जन्मदिन पर और एक बड़ा तोहफा यहाँ के लोगों को देने वाले हैं। काफी उत्साह है, लोगों से हमारी बात हुई, उनका यही कहना है कि जन्मोत्सव पे नहीं बल्कि हर रोज कुछ न कुछ इस गांव को मिलना चाहिए, क्योंकि पहले से ही इस गांव का विकास नहीं हो पाया है। लेकिन ऐसे में उनका आज जन्म उत्सव है, ऐसे में अगर उनको योजना गांव के लोगों को मिलती है तो बहुत ही उत्साह का दिन होगा और इस उत्साह को वो जन्मोत्सव में पूरे धूमधाम के साथ मना रहे हैं। तमाम हजारों की संख्या में लोग यहां आए हैं, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का ये पैतृक गांव है। यहां के लोग उनके साथ जो रहे हैं उनसे हमारी बात है, उनका कहना था कि इस गांव के अंदर तमाम जो योजना पहले रही थी लेकिन वो नहीं आ पाई, धरातल पर दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ आएंगे तो शायद उन योजनाओं को जल्द से जल्द यहाँ देखने को मिलेगी। तो शायद यही वजह है कि कह सकते हैं कि यहाँ लाखों करोड़ों की संख्या में जो योजना है वो लोगों तक कैसे पहुंचे, उनके जन्म उत्सव पर उनको एक तोहफा दिया जाए यहाँ के लोगों को, उसी को लेकर तमाम लोगों में खुशी है और बस इंतजार कर रहे हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ 2:30 बजे करीब यहाँ आएंगे और उसके बाद लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अनिल आपका इस पूरी जानकारी को साझा करने के लिए।